Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerut. Sattadhari Party ke logo sanghi पुलिस द्वारा की जा रही अभद्रता का विरोध करते हुए आज भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे भाजपा के महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज ने कहा कि कागजों व अन्य कारणों के चलते पुलिस को चालान काटने का अधिकार है, लेकिन किसी के साथ भी गाली गलौज व जबरन जीप में डालने का नहीं। कार्यकर्ताओं के इस पुलिसिया उत्पीड़न को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल तक यदि पुलिस क्षेत्राधिकारी व गंगानगर एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कल फिर एसएसपी ऑफिस पर धरना दिया जाएगा। पहले देखिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते भाजपा युवा से जुड़े कार्यकर्ताओं को। इस बारे में भाजपा के महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज ने फर्स्ट बाइट टीवी को यह जानकारी दी। आज हम यहाँ पर कप्तान साहब यार आज लग रही है हमारे युवा मोर्चे के महानगर अध्यक्ष हमारे महानगर के महामंत्री और जो पीड़ित हैं हमारे नेमू पंडित जी और साथ ही अभय पांडे जी। देखिए परसों रात को 11:15 जो हमारे वहाँ पर युवा मोर्चे के गंगानगर मंडल के मंत्री हैं अभय पांडे जी, वो बाइक से अपने साथी के साथ सर्विस को कल्चर आ रहे थे पूरा, तो वहीं पर सीओ साहिबा थी मिश्रा थे नवीन शुक्ला वहाँ की जो सीओ हैं वो वहाँ पर थी। इसके अतिरिक्त तो वहाँ पर भूपेंद्र एसआई थे, वहाँ पर अपने जो मिश्रा एसआई थे वो भी वहाँ पर थे। थोड़ी देर बाद वो बाद में वहाँ पर जो एसएचओ हैं वो भी वहाँ पर आ गए थे। तो इन्होंने वहाँ पर इनकी बाइक रोकी, इनके नंबर का प्लेट जो है कुछ उसमें नंबर थे वो थोड़े से वैसे थे, तो वो उन्होंने इनका चलान वो काटने लगे। इन्होंने किनारे पर अपनी बाइक खड़ी करी और जो हमारे महानगर में गंगानगर में निवास करते हैं महानगर के जो मंत्री हैं नेमू पंडित जी उनको उन्होंने फ़ोन किया। वो अपने एक साथी गौरव चौधरी के साथ बाइक वहाँ पर पहुँच गए। तो वहाँ पर वो पहुँचे तो सीओ ने उससे कहा तू कैसे आया भाई, तू कौन है? तू तड़ाक से उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। तू तड़ाक से बात करने के बाद में इन्होंने परिचय दिया। परिचय देने के बाद में जो उनका उत्तर और भी वो उग्र होती चली गई। तू क्या करेगा भाई, नेतागिरी दिखाने आया? इस प्रकार की बातें उन्होंने वहाँ पर की और उसके बाद में उन्होंने उसको भी और उनके साथी को भी जो दोनों एसआई थे उन्होंने उनको पकड़ा और जो है जीप में जो है उन्होंने घुसड़ने की कोशिश की। यानी कि कुल मिलाकर इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। इन्होंने वीडियो रील खींची तो उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। अपनी वीडियो रील में उनसे उन्होंने अपनी माफ़ी मंगवाई, इनसे उनसे पैर पकड़वाए गए। तो इतने जो उत्पीड़न किया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का अगर उत्पीड़न होगा तो एक सामान्य व्यक्ति का क्या होगा? इसी सब विषय को लेकर आज हम युवा मोर्चे के सभी हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे सभी महानगर पदाधिकारी सभी हमारे वरिष्ठ लोग हमारे वहाँ पर मंडल के अध्यक्ष मुकेश धसवाना जी सभी लोग अमित शर्मा जी सभी लोग यहाँ पर आए और कप्तान साहब ने बहुत धैर्य के साथ सुना है। और वहीं पर हमने विधायक अमित अग्रवाल जी से भी फ़ोन पर, क्योंकि आज वो लखनऊ में है, उनसे भी हमने उनको फ़ोन पर बात करा दी। तो कल तक का उन्होंने कहा कि मुझे रिटेल में दे दिया जाए, मुझे कल तक का आप समय दें। तो कल तक वो उनसे बुलाकर पूछेंगे, एक बार उनसे भी बात करना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है। कल हम यहाँ पर पुनः यहाँ पर होंगे और कल तक वो इसकी इंक्वायरी कर कर हमने जो मांग की है 4 लोगों की मांग की है, जो सीओ है वहाँ पर जो हमारी वो है सीओ एसएचओ गंगानगर थाने का और 2 ये एसआई भूपेंद्र और मिश्रा, इनको तत्काल इन पर कार्रवाई की जाए ये हमने मांग की है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई जो भी है उनको निलंबित किया जाए, उनको जो भी किया जाएगा कार्रवाई अभी हमने मांग की है। वो कल बताएंगे कि क्या करेंगे, उसके बाद में हम स्टैंड लेंगे अपना।
लेकिन इतना भी जरूर है कि उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी अगर भारतीय जनता पार्टी के, हम ये कहते हैं किसी भी कार्यकर्ता पर, अगर कोई भी इस योगी मोदी जी के राज में अगर कोई भी पुलिस का व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा, किसी का अनादर करेगा, मोदी जी तो सबका सम्मान करते हैं, पूरे देश का सम्मान करते हैं, ऐसे में ये जो उनके नाम पर पुलिस का कोई व्यक्ति इस प्रकार का जनता के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ अगर कोई इस प्रकार का दुर्व्यवहार करेगा, उसे कोई प्रताड़ित करेगा, तो किसी भी हालत में हम चुप नहीं रहे। अध्यक्ष जी, सूबे के मुखिया लगातार दिशा निर्देश दे रहे अधिकारियों को कि कुशल व्यवहार आम जनता के साथ करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी पुलिस ऐसी कर रही है, सारी पुलिस बहुत अच्छी है। सारे पुलिस में अभी हमें पहली दफे तो हमें मौका मिला है, हमने पहली दफे अब हमें ऐसा आया कि हमें बड़ा दुख है इस बात का, हमने कहा भी है उनसे और ये बात हम ऊपर तक भी पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है जो आगे पूरे मेयर पुलिस है वो बहुत अच्छी है। परसों से एक दिन पहले यहाँ शहर में ही 3 नाग संप्रदाय के साधुओं की पिटाई की गई और उसके बाद पुलिस उस मामले को दबा गई। जब 24 घंटे बाद वीडियो वायरल हुए तब जाकर पुलिस को एक्शन का ध्यान आया। देखो, दो मैटर अलग अलग है, आप एक बात समझो। पुलिस किस तरीके से दुर्व्यवहार तो किसी से भी नहीं करना चाहिए, चाहे उसका चलान करो या ना करो। अगर वो कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई हाथापाई कर रहा है, उसे गाली बक रहा है, कोई उनके सम्मान कर रहा, तो आप कीजिए। क्या लग रहा है जो लेकिन दोनों नहीं चल रहा, बाकी जो अपराध के संबंध में है वो जिसे आपके जो कहा है वो उचित है भाई। जो भी अगर कहीं अपराध होता है, अगर कहीं पर भी कोई बात होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत उसका निस्तारण होना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।